तो आप सभी को पता ही है कल था ECL का फाइनल मैच, और मैच कितना जबरदस्त हुआ आप लोगों ने देखा होगा, तो कितना जबरदस्त हुआ है ये तो आप सभी को पता ही है। फाइनली हरियाणा हंटर ने इस साल का ECL मैच जीत लिया, मतलब ECL फाइनल जो है जीत लिया है, ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं, कल था ECL का फाइनल मैच हरियाणा हंटर और लखनऊ के बीच में, अनुराग ठाकुर और जो है एल्विस यादव के टीम के बीच में, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है मैच हुआ है। पहले ही टच करने, मतलब टॉस होने के बाद अनुराग ठाकुर जो है टॉस जीतता है, उसके बाद बैटिंग करने का फैसला लेता है और ओपनर करने के लिए मतलब आ जाता है, और दो चौके लगाने के बाद आउट हो जाता है। बहुत ही अफसोस की बात है। उसके बाद जैसे तैसे करके जो है लखनऊ का टीम है वो 131 बनाते हैं, और उसका पीछा करते हुए जो है 9 विकेट के बाद 131 बनाते हैं जो लखनऊ की टीम। मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जो है जो हरियाणा की टीम है, हरियाणा हंटर की टीम है, पहले ही मतलब जो अल्वेस यादव है ओपनर करने आ जाता है और लगातार मतलब सिक्स मारते रहते हैं, जो है चार छक्के मारने के बाद आउट हो जाता है जो है एल्विस यादव। उसके बाद उसका टीम जो 131 का पीछा करते हुए लगभग 7 ओवर 2 बॉल में जीत जाता है, 2 विकेट जरूर जो है 2 विकेट जाता है, मतलब 2 विकेट पड़ता है, लेकिन जीत जाता है 7 ओवर में ही। और इस साल का जो है फाइनल, मतलब ECL का फाइनल जो है हरियाणा हंटर के नाम कर लेता है।